सबसे अच्छी बात तृप्ति के बारे में ये है कि जो हमारे शादी को, हमारे इस रिलेशन को सक्सेसफुल बनाती है, कि जो उसका नेचर है काफ़ी, उसके साथ जो भी इंसान रहेगा वो इंसान खुश रहेगा। पंकज एक बहुत, सबसे बड़ी बात, एक बहुत अच्छे इंसान है। वो दिल से बहुत अच्छे हैं और उन्होंने कभी भी मुझे किसी चीज़ के लिए मना नहीं करा है कि आपको ये चीज़ नहीं करनी है, और हमेशा मुझे मोटिवेट किया लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। और आज शायद मैं जो भी कुछ अचीव कर पा रही हूँ उसमें उनका एक बहुत बड़ा सपोर्ट है। तब कहते हैं एक सक्सेसफुल आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है, बट आई थिंक मेरी सक्सेस जो होंगी उसमें पंकज का एक बहुत बड़ा रोल होगा। साथ रहना है यानी, और हमारे बीच में हमेशा ऐसे ही रहा है और हम दोनों एक दूसरे को काफ़ी समय से जानते हैं। अगर बताना चाहे लव को एक लाइन में डिस्क्राइब तो नहीं कर सकते, बट लव यानी कि एक दूसरे को समझना, एक दूसरे की फीलिंग्स की कद्र करना। मेरे हिसाब से लव मतलब कि अगर कोई भी लाइफ में प्रॉब्लम्स है, दिक्कत है, लेकिन अगर प्यार है, लव है, तो फिर वो सारी दिक्कत हम ओवरकम कर सकते हैं।
नज़्म नज़्म सा मेरे। मेरी जिंदगी में तो लव की डेफिनेशन शायद यही है कि पंकज प्लस तृप्ति इक्वल टू लव। खाब सा तेरी आंखों में जागूं रे, तू इश्क इश्क सा मेरे, रूह में आके बस जा, जिस ओर तेरी शहनाई उस ओर में भागूं। मेरे दिल के लिफाफे में तेरा खत है जानिया, तेरा खत है जानिया, ना चीज ने कैसे पाली किस्मत ये जानिया वे। ओ मेरे दिल के जो अंडरस्टैंडिंग हमारे बीच में, मैं विश करती हूँ हमेशा रहे, सीरियसली फ्रॉम माय डीप कोर ऑफ हार्ट आई लव यू। ना चीज ने कैसे पाली जन्नत ये जानिया वे, तू नज़्म नज़्म सा मेरे, होंठों पे ठहर जा, तू नज़्म नज़्म सा मेरे, होंठों पे ठहर जा, मैं ख्वाब ख्वाब सा तेरी आँखों में जागूं रे, तू इश्क इश्क सा मेरे, रूह में आके बस जा। Wish you happy married life. We all love you, sir.